दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से डिप्लोमा और BBTech वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सिविल इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे, आपकी डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से 1 दिसंबर को जारी किया गया है और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। बेसिकली यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब निकाली गई है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है, सिविल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट हैं। और वीडियो में आगे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया है फुल टाइम BBTech इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से और आपके BBTech में मिनिमम 60% मार्क हैं और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और मैं करके दिया है अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी अपर एज लिमिट के बारे में। तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 ईयर रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो सैलरी आपको यहाँ पर 45,000 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड CV लेना है, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको लेने हैं और यहाँ पर आपको एक सिंगल सेट ले लेना है अपनी फोटोकॉपीज़ का और आपको पहुंच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। इंटरव्यू यहां पर आपका होगा 9 दिसंबर 2022 को। रिपोर्टिंग टाइम यहां पर आपका 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप ये वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।